السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض محترم ديني وإسلامي بايو نوجوان ساتيو بزرگو हम और आप जिस दौर में जी रहे हैं ये दौर ये ज़माना इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान ने बड़ी तरक्की की है और तरक्की की बहुत सारी मंजिलें इंसान ने तय की है रोज़ी रोटी कमाई के बेशुमार ज़राए लामहदूद इसबाब हैं जिससे इंसान जो है रिस्क कमा सकता है और रोज़ी रोटी कमाई कर सकता है लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसके बावजूद इसबाब और वसाइल के कि वसात के बावजूद हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की ज़ुबान पर शिकायत है कि माल की फ्राहवानी है कारोबार अच्छा चल रहा है रिस्क में वसात है लेकिन माल का जो मकसद होना चाहिए उसको पाने के बाद दिल में जो सुकून और जो करार पैदा होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है या बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि रिस्क की तंगी है कमाई नहीं है या कारोबार नहीं चल पा रहा है जो तो बहुत सारी शिकायतें हैं लोगों की उसके बावजूद मेरे भाई यो मैं आपके सामने इनशा कारोबार में तिजारत में बरकत के चंद इसबाब बयान करूंगा बहुत ही इस उम्मीद के साथ कि इन हम उस बाब को जानेंगे सुनेंगे और उसके बाद फिर जो है अपनी कारोबारी ज़िंदगी में या हम जिस लाइन से जुड़े हों उसमें उसको जो है अप्लाई करने की कोशिश करेंगे उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आदमी को अपने ईमान की असलाह करनी चाहिए अपने ईमान को टटोलना चाहिए और दूसरी चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इख्तियार करना चाहिए एक कारोबारी शख्स के लिए हालांकि हर शख्स के लिए ज़रूरी है चाहे वो कारोबार से जुड़ा हो या एक आम शख्स हो हर शख्स को चाहिए कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरकत हासिल करने के लिए अपने ईमान की असलाह करे और तकवा करे इस बात का ख्याल रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कौन सी चीज़ नापसंद है अल्लाह के नाफ़रमाने वाली कौन सी चीज़ें हैं आदमी को उससे बचना चाहिए जब आदमी ये दोनों चीज़ें अपनी ज़िंदगी के अंदर पैदा करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे आदमी को क्या है उसके रिस्क में उसकी ज़िंदगी में बरकत का वादा अल्लाह ने किया है कुर मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बस्ती वालों से कहा कि वलो अहर आमन व तको लफतः न आलम बरक़ा मेस समाई वालद कि अगर ये बस्ती वाले ईमान ले आएँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तकवा इख्तियार करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी से ख़ुद को बचाए रखें लफना आलिम बरक़त मे समाई वालद तो अल्लाह ताला का ये वादा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करेगा आसमान और ज़मीन से बरकतों के दरवाज़े खोल देगा तो ये बरकत बहुत बड़ी चीज़ है आज हमारी ज़िंदगी में क्या है बरकत नहीं है माल होने के बावजूद बरकत से महरूम ही है एक ज़माना था कि घर का एक आदमी कमाता था और बाकी अफराद बैठ के खाते थे पढ़ते थे लेकिन किसी की ज़ुबान पर कोई शिकायत नहीं थी आज पूरा का पूरा घर कमा रहा है किसी न किसी एतबार से रोज़ी रोटी से जुड़ा हुआ है लेकिन उसके बावजूद हर फर्द की ज़ुबान पे यही शिकायत है कि कमी है कमी है हाय हाय यही शिकायत है और देखिए कि उस वक्त आदमी क्या था कि दिन में ड्यूटी करता रात को बिल्कुल आराम से सोता था आज आदमी डबल डबल ड्यूटी कर रहा है दिन में भी ड्यूटी कर रहा है और रात में भी ड्यूटी कर रहा है सुकून से वक्त पर खाना नहीं खा रहा किस लिए कारोबार के लिए लेकिन उसके बावजूद क्या है उसके बावजूद ये शिकायत है कि बरकत नहीं है सब कुछ करने के बाद इसका देना है उसका देना है इससे लेना है उसको देना है ये शिकायत है तो ईमान और तकवा ये दो चीज़ें हमें और आपको अपनी ज़िंदगी में क्या है दाखिल करनी है शामिल करनी है तो इन श्ला हमारा रबुल्ज़त गरीबी अतबार से हमारी तजारत में हमारी कारोबार में क्या है बरकत अल्लाह ताली हाजिर करेगा दूसरी चीज़ कारोबार और तजारत में बरकत के लिए दूसरी चीज़ हमें करनी है वो है नमाज का अहमाम नमाज और रिस्क का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है आज हमारी अक्सरीत देखिए नमाज ना पढ़ने की हमारी अक्सरीत के पास मुसलमानों के पास जो सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़ा जो रीज़न है वो कारोबार की मसरूफियत है जिसको करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिस्क का वादा किया कि हम रिस्क देंगे अल्लाह ने रिस्क की जिम्मेदारी ली है आदमी क्या है आज उसको छोड़ कर उस चीज़ में पड़ा हुआ है और उसकी वजह से नमाज को छोड़ रखा है अक्सर अक्सर बेशतर लोगों की जुबान पर यही उज़्र है फ़ला के पास गया था उससे मिलने के लिए उस वजह से बिज़ी था नमाज़ वक्त पर नहीं पढ़ पाया कज़ा पढ़ रहा हूँ फ़ला वगैरह ये सारी बातें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज़ पढ़ने वालों के लिए अल्लाह ताला ने मेरे भाई और का वादा किया है नमाज का और का बड़ा गहरा ताल्लुक है कुर मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ से हुक्म दिया कहा कि वाहमर अब सलात वलिया ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ख़ुद भी नमाज़ की पाबंदी कीजिए और अपने अहिल वयाल को नमाज का हुक्म दीजिए वस्तविर आलियाँ और आप ख़ुद भी नमाज का अहतमाम कीजिए ला नस अल का रस्का हम आपसे रिस्क नहीं मांगते हैं नहनु नजुकू का हम आपको रिस्क देंगे वला के बतुल और अच्छा अंजाम कोशिश के बावजूद अच्छा फल मेहनत के बाद अच्छा नतीजा ये अगर किसी को मिलने वाला है तो मत परहेजगारों को मिलने वाला है वलआ बतुल तकवा अच्छा अंजाम बेहतर अंजाम ये मत्ख़ परहेजगारों के लिए तो नमाज और रिस्क़ का ये बड़ा गहरा ताल्लुक है लिहाजा अगर हम चाहते कि हमारे कारोबार में बिजनेस में बरकत हो अल्लाह रबुन नज़्त की जानिब से हमको मदद मिले हमको हमारे कारोबार में सुकून मिले तो मेरे भाई नमाज का अहतमाम कीजिए एक तीसरी चीज़ है कि कारोबार में बिजनेस में बरकत के लिए तिजारत में बरकत के लिए तिजारत में सच्चाई होनी चाहिए सच्चाई होनी चाहिए ज़िंदगी में आदमी कारोबार सच्चाई के साथ करे अमानदारी के साथ करे झूठ ना बोले नब करी सलाम ने फरमाया कि अलभ्या आने बिलख्यार मालम तफर रखा अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दो लेन देन करने वाले ख़रीदने वाले बेचने वाले उन दोनों को इख्तियार है सामान वापस करने का और सामान लेने का कब तक इख्तियार है मालूम या तफर रखा जब तक वो दोनों अलग ना हो होलीहदा ना हो जाएं वो इधर चले या वो उधर चले या सामान लेके दोनों जब तक एक साथ बैठे हुए एक मजलिस में हैं तो दोनों सामान वापस कर सकते हैं ले सकते हैं उसके बाद नबी करीम करीमला वसलम बरकत की वजह बता रहे कि कारोबार में बरकत कैसे होगा व इन सदा का वही अगर वो दोनों सच्चाई से काम लें व बना और सामान की असल हैसियत को बयान करके सामान की असल और उसकी हकीक़त को बयान करके सामान को लें और दें तो अल्लाह नील बरकत का वादा कर रहे हैं कि बूरी का लहुमा फ़ी बईमा तो अल्लाह इज़्ज़त उन दोनों के कारोबार में उन दोनों के इस डीलिंग में अल्लाह ताला बरकत नाजिल करेगा तो बरकत की एक तीसरी वजह क्या है तिजारत में सच्चाई यह तिजारत में बरकत का ज़रिया है एक चौथी चीज़ है कि नाप तोल में लेने देने में वज़न करने में इंसान इंसाफ़ और अमानत दारी के साथ काम ले काटा ना मारे डांटी ना मारे कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे लोग जो मुकम्मल तरीके से नाप तोल में कमी नहीं करते हैं पूरा पूरा नाप कर देते हैं पूरा पूरा, पूरा नाप कर लेते हैं अच्छे से वजन करके देते हैं अल्लाह ने उनके साथ बरकत और ख़ैर का वादा किया फरमाया कि औफुल वफुल्कैला इदा किल तुम कि जब नापो तो पूरे अच्छे तरीके से नापो वज़ीबिलकस्ता मुस्तकीम और जब वजन करो तो तराजू बिल्कुल सीधे रखो डांटी ना मारो दाली का खैरूम व अहसन व तावीला जब तुम ऐसा करोगे तो ये तुम्हारे लिए क्या है इसमें बेहतर है और अंजाम के अतबार से ये अच्छी चीज़ है तो ये एक चौथी चीज़ है उसके बाद एक चीज़ तिजारत में बरकत के लिए सुबह सवेरे काम के लिए तिजारत के लिए बिज़नेस के लिए जॉब के लिए निकलना हमारे यहाँ तो अक्सरीत यह है कि फजर की नमाज़ आदमी बढ़ता नहीं है तो फिर उठेगा घास से फजर की नमाज़ छोड़कर आदमी ग्यारह बजे हमारे यहाँ तो ग्यारह बजे बारह बजे सुबह होती है देखिए औरों के यहाँ देखिए वो, वो जल्दी उठकर दुकान खोलते हैं दुकान पे बैठते हैं और फिर रात को जल्दी दुकान बंद भी कर देते हैं और जाकर खाना खा के आराम से सो जाते हैं बहुत मतलब ये कोई अनदेखी चीज़ नहीं बता रहा हूँ अब जाके मुशाह कर लीजिए हमारे यहाँ तो हमारे इलाकों में रात को जो है होटलें ये सारी चीज़ें रात को मतलब ये जीनत बनी होती हैं रात में बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल बस असल मार्केट जो है वो रा, रात ही में लगी हुई है नबी करीम सलाम ने मेरे भाइयों बरकत का वादा किया है बरकत की दुआ की अल्लाह ताला से अल्लाह से दुआ की है अल्लाह मबारक लिए उम्मती फ़ी बकोरिया अल्लाह तुम तो मेरी उम्मत के लिए तो बरकत दे फी बियाँ उनकी सुबह में जब भी सुबह वो कोई काम करें जब भी सुबह वो किसी काम के लिए निकलें जब भी सुबह वो तिजारत करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके इस कारोबार में तिजारत में इस डीलिंग में तो बरकत नाजिल कर ग्यारह बजे हम लोग उठते हैं ग्यारह बजे हमारी सुबह होती है और उसके बाद हमारी ज़ुबान में शिकायत है कि वो कमाता है मैं भी वही काम करता हूँ मैं भी इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन वो कमाता है मैं नहीं कमा पाता हूँ तो सुबह सुबह उठिए और दुकान खोलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि सली मेरे भाइयों बरकत की दुआ की है तो ये चंद असबाब हैं कि अल्लाह अगर हम इसको इख्तियार करें और हमको इख्तियार करना चाहिए यह हमारे ईमान का हिस्सा है क्योंकि हम मोमिन हैं हमको ये बताया गया है कि अल्लाह रब्ज़त ये वो इस्बाब है कि अल्लाह ताली गैरीबी तरीके से मदद करता है लिहाजा एक ईमान और एक मोमिन होने की हैसियत से हमको मेरे भाइयों इन इसबा को इख्तियार करना चाहिए और इसके नतीजे पर यकीन करना चाहिए इसलिए कि जो मोमिन नहीं है वो तो ज़ाहरी आँखों से देखता है जिस चीज़ को ज़ाहरी आँखों से देखता है उसी के पीछे भागता है लेकिन हम ईमान वाले हैं हम इसबाब के साथ साथ ज़ाहरी इसबाब से आगे की चीज़ों को भी हम क्या है इख्तियार करते हैं अल्लाह ताली मुझको और आपको जो बातें बताई गई हैं कारोबार के सिलसिले में और बरकत की जो इसबाब हमको हम और आपने जो सुना है अल्लाह ताला मुझको और आपको जो उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए आमीन असलम व बरकातहू